उर्मिला जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार हकीम साहब को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, आदाब, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। मेरे दो तीन सवाल हैं हकीम साहब जी। मेरा एक सवाल तो ये है कि आपने मेरे हस्बैंड के लिए बताया था, उनको पैरों में दर्द था, मैंने गोंद सिया मंगवाया आपकी कंपनी से, तो उसमें 20 दिन से खा रहे हैं लेकिन उनको बिल्कुल आराम नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और बढ़ गया होगा दर्द। हाँ दर्द ज्यादा हो गया सर। ठीक है ठीक। और हाँ, और सर मेरे को भी डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में बहुत दर्द होता, ऑपरेशन के लिए बोला था पर मैंने करवाया नहीं है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कुछ आप बताएं। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा भाई है 40-42 साल का होगा, तो उसको सर पहले हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, फिर वो ऑपरेशन अब उसको हेटोसील बता दिया है, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहते हैं, तो क्या करें सर, उसके लिए कोई इलाज हो। और सर एक मेरा चौथा सवाल ये है, मेरी माता जी हैं, उनको पेट में पथरी है, पित्त की थैली में छोटी छोटी काफी सारी पथरियां हैं, तो उनको मतलब खाती तो हैं लेकिन गैस बहुत बनती है, और दूसरी बात उनको ना शुगर भी है, बीपी भी है, उनकी शुगर की वजह से हाथ उनका जो टेढ़ा हो रहा है, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, और वो ना साड़ी वगैरह नहीं पहन पाती हैं, अपना डंडा वगैरह नहीं पकड़ पाती हैं, तो दवाई बीपी शुगर की खाती हैं सर, लेकिन ना उनको कुछ आराम उससे हो जाता है, सांस भी है तो उससे कुछ आराम तो होता है, लेकिन फिर अगले पल पता नहीं शुगर ऊंचा नीचा होता है, क्या होता है, उनका हाथ टेढ़ा हो रहा है, मतलब उंगलियां खराब हो रही हैं सर, तो मेरे इन सवालों का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ सर जी। लिख लिया ना आपने सारा। अच्छा देखिए मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत सारे पेशेंट परेशान हो जाते हैं, आप बहुत समझदार हैं, और 100 में 2 लोगों को ये जो गौंसिया है दर्द को बढ़ा देता है, वो भी 5-7 दिन के लिए, तो ये गौंसिया से ही आपका दर्द बढ़ा है। अपने हस्बैंड को 5 दिन तक दर्द की दवा दें गौंसिया के साथ में, ये आप नोट कर लीजिए अपनी बात, उसके बाद कभी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गौंसिया से ही दर्द बढ़ा है और ये अच्छी कैफियत, अच्छी अलामत मानी जाती है। अगर दर्द बढ़े तब भी हम खुश हो जाते हैं, और दर्द कम होने लगे तब भी, अगर वहीं का वहीं रहे तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा, अगर वहीं के वहीं है तो इन मरीज को ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्या, तो ये इस बात का सबूत है कि ये ठीक हो सकते हैं। अच्छा ये 3 महीने चलता है जो गोंद आपने लिया होगा, अगले 5 दिन में उनका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है, और 5 दिन तक दर्द की दवा उनको साथ में दें, प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करें और घबराएं नहीं, कुछ लोगों को ऐसा होता है। दूसरा सवाल क्या था? डिस्क प्रॉब्लम है इन्हें खुद को। हाँ यही गौंसिया आपको खाना है, और उसी तरह खाना है जैसे आपके पति खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बढ़े दर्द, आपका कम होता जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है, बशर्ते आप वेस्टर्न टॉयलेट करें का यूज़ करें, ये कुर्सी वाला शौचालय, और आपके पति को भी उसी की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत उस पर पूरी किया करें, और वज़न ना उठाएं और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, तो आप भी इसी को इस्तेमाल करें। 40 साल की उम्र है इनके भाई की, हर्निया का ऑपरेशन कराएं या नहीं कराएं, और हाइड्रोसेल बढ़ा हुआ है ये कहा है इन्होंने। देखिए नमक जैतून, नमक जैतून लीजिए 100 ग्राम खरीद लें, और एक आता है अरंडी का तेल, आसान भाषा में कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, कैस्ट्रोल ऑयल या अरंडी का तेल कहते हैं, 1 चम्मच अरंडी का तेल, और 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आए गर्म पानी में मिलाकर भाई को 2 बार खाने से पहले रोज़ पिला दें, ये इनके दोनों रोगों के लिए है, और कम से कम
महीना दो महीना पिलाएं, भाई को भी आपके फ़ायदा होना मुमकिन है। घबराएं नहीं, अगर तकलीफ हो तो तकलीफ़ की दवा ले लें, दर्द की दवा। और क्या सवाल है? चौथा सवाल है माता जी के लिए, पित्त की थैली में पथरी हैं छोटी छोटी, गैस की भी प्रॉब्लम रहती है और शुगर बीपी भी है, उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। अच्छा देखिए, दो चीज़ें बता रहा हूँ, आप लिख लें और 5 दिन दे बस उन्हें। तो सबसे पहले तो उनकी पथरियाँ निकलनी चाहिए, अगर छोटी छोटी हैं तो निकल जाएंगी, 3 mm तक की हैं तो सब निकल सकती हैं, उससे बड़ी हैं तो निकलना मुमकिन नहीं है, शायद ऑपरेशन कराना पड़े। आप खुद देखें उनकी रिपोर्ट और खुद तय करें। कलौंजी का सिरका 3 चम्मच और सॉरी कलौंजी का सिरका 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच और जैतून का तेल 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला दें और इन्हें सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट पिलाएं रोज़ाना 1 बार और सिर्फ 5 दिन तक पिलाएं। तो इनकी पथरियाँ पहले बाहर आ जानी चाहिए और जब ये पथरियाँ निकल जाएं तो इनको आप ये कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच खाने के बाद पानी मिलाकर दिया करें तो इनकी शुगर यानी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है काफ़ी। और जो हाथों में वो अकड़न या तकलीफ है जो भी है उसके लिए आप 2 वक्त या 1 वक्त गौंसिया दे सकते हैं खाने के बाद। और काफ़ी सारी बीमारियां हैं, मैं चाह रहा हूँ एक एक करके उनका इलाज करें, बहुत सारी दवाओं से वो परेशान ना हो जाएं।